कैसा भी तांबे या पीतल का बर्तन हो, बिना झंझट, बिना रगड़े, बिना घंटों की मेहनत के मिनटों में ही चमक जाएगा और आपको इसमें की कोई भी मेहनत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। और पुराने से पुराना बर्तन हो, चाहे कैसा भी हो, बस पानी में डालते ही चमक जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निशा प्यारे रसोई में। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेके आई हूँ जिससे आपके पुराने पीतल या बर्तन या तांबे के कोई भी बर्तन हो बिल्कुल चमक उठेंगे। तो चलिए देखते हैं हमने इसे कैसे चमकाया है इतना बिल्कुल नया जैसा। तो मैंने आज ये देखिए कितने पुराने से पीतल और तांबे के छोटे छोटे लोटे लिए हैं और ये देखिए कितना गंदा है और बिल्कुल काला पड़ चुका है, बिल्कुल भी इसमें कोई भी नयापन नहीं है और अंदर से ये देखिए कितने गंदे हो चुके हैं। तो इसे मैं बिल्कुल ही बहुत ही जल्दी से चमका दूंगी, बिना ब्रश मारे, बिना रगड़े, सिर्फ पानी में डालते ही चमक उठेंगे। और आप जैसा देख रहे हैं कि ये कितना गंदा है और बहुत ही काला हो गया, इसका रंग बिल्कुल बदल गया है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे हमने साफ़ किया है। तो इसके लिए हमने लिया, यहाँ पर लिया 1 लीटर पानी एक बड़े भगोने में, या हमने नॉर्मल पानी लिया है और ज़्यादा ये गर्म भी नहीं है ना ज़्यादा ठंडा है, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है। और इसे हम किसी बड़े बर्तन में लेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच नमक। आप ये सफ़ेद नमक है, टाटा सॉल्ट है, आप कोई भी नमक यूज कर सकते हैं, हाँ वो सफ़ेद वाला ही होना चाहिए। तो 2 चम्मच हमने नमक डाला है और इसे हम अच्छे से मिला देंगे। नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच विनीगर। या फ्रेंड, ये विनीगर सबके घरों में उपलब्ध होता है क्योंकि चाउमीन वगैरह में सभी डालते हैं, तो हम विनीगर डालेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिला देंगे। और इसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। जी हाँ फ्रेंड, बेकिंग पाउडर बहुत ज़रूरी है। बेकिंग पाउडर डालने से ये क्या होता है, विनीगर और बेकिंग पाउडर जब कुछ भी मिलता है तो दोनों का रिएक्शन बहुत ही तेज़ होता है और इससे क्या होता है कि जो भी मैल या फिर गंदगी जमी होती है बहुत तेज़ कटती है। इसको भी हम अच्छे से मिला देंगे। और इसके बाद हम डालेंगे नींबू का रस, इससे खट्टापन हो जाए। और सभी चीज़ों को मिलाने के बाद हम जो बर्तन लिया था उसे हम डाल देंगे और इस तरीके से इसको घुमाते रहेंगे। और ये देखिए जैसे मैंने डाला है रिएक्शन करना शुरू हो गया है, बिल्कुल ही छूटने लगा ये। इसको हम इसी तरह से डाल के छोड़ देंगे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए और बीच बीच में हम घुमाते जाएंगे जिससे कि सभी साइड इसकी साफ़ हो जाए अच्छे से। ये देखिए जिधर जिधर मैं घुमा रही हूँ कितने अच्छे से क्लीन होते जा रहा है धीरे धीरे, और इसका रिएक्शन काफ़ी तेज़ होता है फ्रेंड्स। तो आप 15 से 20 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिए और पानी कम लगे थोड़ा सा ऊपर से पानी डाल दीजिए और 15 से 20 मिनट के लिए इसे हम छोड़ देते हैं और बीच बीच में हिलाते रहेंगे। ये देखिए एक तरफ से कितना अच्छे से ये साफ़ हो रहा है। इसी तरीके से हम छोड़ देते हैं इसे 3-4 मिनट बाद जब हमने देखा तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से साफ़ हो रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, इस पर बिल्कुल भी ब्रश या फिर किसी भी तरीके का इसको मैंने रगड़ा नहीं है, इसी पानी में इसी तरह साफ़ हो रहा है। तो हम इसी तरह छोड़ देते हैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए या फिर लगभग मैं आधे घंटे के लिए भी छोड़ दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। हम इसे वापस से डाल देते हैं इसी में। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसको लगातार घुमाते हुए ये हो गया लगभग मैं आधा घंटा, इसे मैंने आधे घंटे तक इसी तरह छोड़ दिया था। और इसके बाद मैंने काफ़ी सारा अपना काम भी कर लिया घर का। तो आप फिर भी इसे आधे घंटे या फिर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और ये देखिए बिना रगड़े ये कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। अगर आप ज़रूरत हो तो जहाँ जहाँ ये कोने कोने हल्का हल्का जम गया है तो आप ब्रश मार सकते हैं, लेकिन इससे ब्रश मारने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। देखिए बिना मेहनत के, बिना रगड़े हुए कितने जल्दी फटाफट से साफ़ हो गया हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारा वीडियो आपको ये कैसा लगा, हमारी टिप्स आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताएँ। और इसे हम एक सूखे कपड़े से पूछ लेते हैं और जहाँ इसका यूज है वापस इसे वहीं रख देते हैं। आप ऐसा हमेशा इस ट्रिक से हमेशा बर्तन को साफ़ करिए, आपके बर्तन हमेशा चमचमाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, गुड बाय।